குக்குழலூதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி குழலூதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி சகி குழலூதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி சகியே குழலூதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி ஓம் கணேஸ்வராய நமஹ ஓம் விக்னேஸ்வராய நமஹ ஓம் சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே திரும்பிகே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே அழகான மயிலாடவும் ஓகே காற்றில் செங்காடும் கொடி காலமும் மறந்து புள்ளினம் கூட அசைந்தாடி மிக இசைந்தோடி வருணம் காண ஒரு மனாட தகுமிது என ஒரு பதம் பாட தகிடதி மிது என நடமாட தகுமிது என ஒரு பதம் பாட தகிடதி மிது என நடமாட கன்று பசுவினமும் நின்று புடை சூழ என்று மனமுருக இறைவன் கனிவோடு குழலோதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி சினு சப் குச் ரக் தியா நா बहुत बहुत शुक्रिया मैं चलती हूँ माँ ध्यान रखना नमस्ते नमस्ते मकर कुंडल माडवुं अगर केर्प मकुटम मौली वीसवुं மிகவும் எழிலாகவும் காற்றில் மிளிரும் துயில் ஆடவும் மிகவும் எழிலாகவும் காற்றில் மிளிரும் துயில் ஆடவும் अरे उसे मतलब वो बहुत ठीक है அகமகிழ்ந்துலவும் நிலவொளித்த நிலே தன்னை மறந்து புள்ளினம் கூட அசைந்தாடி மிக இசைந்தோடி வரும் தகுமிது என ஒரு பதம் பாட தகிடதி மீத என நடமாட கண்டு பசுவினம் நின்று புடை சூழ என்று மனமுருக இறைவன் கனிவோடு குழலோதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறையேதும் எனக்கேதடி मैं उनसे कहूँ कि बच्चा हिल रहा है कहू लात मार रहा है ला। बच्चा लात मार रहा है दादी माँ ओहो बस करो नौ बजे तक घर आ जाना चाहिए ना तुम्हें हाँ हाँ से क्या मतलब है तुम्हारा हाँ देर हो गई लेकिन क्या हर रोज इस तहकीकात की जरूरत है मॉम अगर तुम वक्त पर घर आओ तो इसकी कोई जरूरत नहीं तो देर क्यों हो गई मॉम मैं जेन के यहाँ डिनर पे गई थी लेकिन तुम तो डिनर घर पर करने वाली थी दिव्या ठीक है मॉम वो मैं कल खा लूंगी मैंने सोचा तुम्हें और डैड को कुछ देर अकेले छोड़ दो क्योंकि आज तुम्हारा तो Where is Dad? वो कुछ ही देर में आने वाले हैं उन्होंने फोन किया था हाँ समझ लो वो आ गए
क्या कहा? कुछ नहीं मॉम। कम से कम एक ग्लास दूध तो पी लो दिव्या। रोज मॉम, नो वे। सुनो मॉम, कल एक बहुत बड़ा टेस्ट है और सॉकर प्रैक्टिस भी है, मुझे जल्दी उठा देना। हाँ, इन सब के लिए ही मेरी जरूरत है। एंड मॉम, हैप्पी एनिवर्सरी। सिर्फ एहसास कि तुम पास हो बस, सिर्फ एहसास कि नजदीक हो तुम। सिर्फ एहसास कि तुम। कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अब धीरे से बैठ जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी। ये सब आपने बनाया? हाँ हाँ, मैंने सब कुछ अपने हाथों से बनाया है, अपनी खूबसूरत बीवी के लिए। बादाम खीर, योर फेवरेट। लो खाओ। लक्ष्मी, क्या बात है? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, किचन एकदम साफ है, कोई तोड़ फोड़ नहीं की मैंने। तुम्हें कुछ और चाहिए? चाहिए तो बोलो। अनगिनत लोगों में घबराई हूँ। आखिर मैं कब सीखूंगी? Yes, David, I'll call you. Yeah. I have to go. Ask him to go to hell. Yeah, let's do it together. I'm running really late, Pam. You take care of that letter. Mm-hmm. And make sure you call the New York office. Yes, master. Pam, peace. Yeah, sure. But you get to buy me lunch. Hey, have a nice night. Night. Hello. Hi, Lakshmi. मैं बोल रहा हूँ। देखो, आज रात को मैं घर नहीं आ पाऊँगा। क्यों? मैं इस वक्त एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। कल सुबह न्यूयॉर्क में एक अर्जेंट मीटिंग है। ओह। फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मीटिंग खत्म होते ही मैं घर आ जाऊँगा। ओके? बाय। लेकिन आज तो हमारी हैप्पी एनिवर्सरी। रहने दो, साफ तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैं हमेशा अलग सी उम्मीद क्यों करती हूं? आई रियली हेट मैन। मर्द औरतों का बड़ा फायदा उठाते हैं ना। फैनी 2000, बड़ा अजीब नाम है। हाय फैनी, कभी कभी लगता है कि सारे मर्दों को गोली मार देनी चाहिए, एक एक करके। तुम्हें भी प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट से क्या मतलब? क्या कह रही है ये? छी, कैसी औरत है? प्राइवेट? हाँ, गलती मेरी ही है। बाप रे, नो नो नो। आई मीन, कितनी घिनौनी बात है। वो किस किस्म की औरत है? वो मेरे साथ प्राइवेट जाना चाहती है, यकीन कर सकते हो? एक दूसरी औरत? कैसे अजीबोगरीब जमाने में हम जी रहे हैं। खैर, वो छोड़ो। तुम्हें देखो, खिलकर तुम इतने खूबसूरत बनोगे मैंने सोचा भी नहीं था। I wish you could talk to me. I can talk to you. You've been talking to me for years, and I've been listening to you. And I've just decided to talk. Shh, quiet, keep quiet. Hi. Hi. Who are you? I'm Steve. This is my brother Paul. We're your neighbors. Oh. Paul, get ready for school. Yeah. Oh my god. What? Divi. What? Usse school ke liye uthana tha. Stop that. She's weird. A total wacko. Get lost, hey. Pipsqueak. Stevie has a crush on her. Fuck hey. Off. Hey! Mom, Stevie's in the airport! Shut up! Stop! Hey! I won't get you in trouble. Put me down! Hey!
मम्मी डैड। इस कमरे को तो देखो, मैंने कल ही तो साफ किया था। वही तो मॉम, तुम हमेशा वही करती हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जे नफरत, बहुत नफरत। मेरी गैर हाजिरी में मेरे कमरे में तुम क्यों घुसती हो? मैं हजार बार कह चुकी हूँ, जिसे तुम सफाई कहती हो वो मेरी नजर में सफाई नहीं है। तुम क्या ढूंढ रही हो दिव्या? आखिर क्या ढूंढ रही हो बताओ। माला की रिस्टबैंड मॉम। वो कहाँ होना चाहिए? क्या नहीं, इस कमरे में वो कहाँ पर होना चाहिए? मेरे पास फिजूल के सवालों के लिए टाइम नहीं है मॉम। ये लो। ये वहाँ पे क्यों है? क्योंकि वो तुम्हारा स्पोर्ट्स बैग है, इसलिए इसे वहीं होना चाहिए। नहीं, इसे रखने की जगह ये नहीं है। देखो, जैसे ही मैं कमरे के अंदर आती हूँ, अपना कैप इस तरफ फेंकती हूँ और अपना रिस्टबैंड उस तरफ फेंकती हूँ, इसलिए इन्हें जहाँ हो वहीं पे होना चाहिए। मैंने उसे धो दिया है। जी थैंक्स। ज्यादा खिंचाई करने की जरूरत नहीं। दिव्या लो ये दूध पी लो। नहीं मॉम, अब मैं बची नहीं रही। इस तरह घूर क्यों रही हो? जानती हूँ। क्या जानती हो? मैं जानती हूँ तुम अब बच्ची नहीं रही, तो मेरे साथ बड़ों जैसे पेश आया करो। मॉम प्लीज, मेरी चीजों का हाथ मत लगाना प्लीज। मॉम मेरे कमरे से बाहर जाने की मेहरबानी करोगी? इफ यू डोंट माइंड। बड़ी दादी माँ बन गई है। ओह, दिमाग चाटती है। Divya, this is our new neighbor, Paul, right? Yeah. Yeah. I'm sorry if Paul's bothering you all. Oh, no. Yes, he is bothering us. He came in and started ringing the doorbell. Do you think that will be bothering us? I'm sorry. Well, I apologize, really. Kyun us par bigad rahi ho? Chota sa to bachcha hai wo. Ye lo, chalo doodh pi lo. Bye, mom. Kitne baje wapas aaogi? Der hogi. हेलो लक्ष्मी, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बाहर थी। तुम्हें पता है यहाँ नए पड़ोसी आए हैं, पास वाला घर जो कई महीनों से बंद पड़ा है, हमारे घर के सामने उसमें कोई रहने के लिए आया है। मेरे पास वक्त नहीं है लक्ष्मी, 5 मिनट में मेरी जिंदगी की सबसे अहम मीटिंग शुरू होने वाली है, ये सब बातें बाद में। ओके। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि आज डिनर पे मेरा दोस्त ब्रायन आने वाला है। ब्रायन? वो कौन है? एक पुराना दोस्त है, अचानक एयरपोर्ट पे मुलाकात हो गई, उसका यहाँ तबादला हुआ है। ओके। और सुनो लक्ष्मी, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी आ रही है। कौन? मगर तुम कब आ रहे हो? शाम को तो घर आना ही पड़ेगा ना। ओके, मैं जल्दी में हूँ, बाय। हमेशा ऐसे ही करते हो। यही खिला दूं क्या? नहीं नहीं, बासी खाना नहीं, पकाने के लिए कुछ भी तो नहीं। Hey buddy, you better get that. Peace on the home front is most important. Sure. Okay. मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ। हाँ कहा तो था, सॉरी, मगर खाने के लिए क्या बनाऊं? पृथ्वी सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ। पृथ्वी, फ्रिज खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है, बोलो क्या खाएंगे? तुम कानाफूसी क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम कानाफूसी कर रहे हो। नेवर माइंड, क्या बात है? यही कि बोलो क्या खाएंगे। खाना लक्ष्मी, edible food. That was important. Good morning, everyone. Good morning. I'm glad you could all make it. Glad to be here. Well, it's good to see you all. I'm really happy about our merger. Sorry. Oh, well, put this in. $10.15. Thanks so much. See you Friday. Yeah. Here you go. Okey-doke. Hey. You're welcome. I haven't got all day. Hi, how are you? Good.
Excuse me. Do you want to pay? Yeah. I'm sorry. I'm sorry. Divya? 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 Hey! Hey, do they always hang glide up here? Yeah. You ever tried it? No. Why not? ये तो पीछे पड़ गया। इसे और काम धंधा नहीं है क्या? I'm sorry, what was that? No. Don't you have any school or college or anything? Why are you loitering around? I'm working, actually. Why aren't you at work? Work at home. Let's say, can I help you with that? No, you can, but you may not. Oops! Oh, oh gosh. May I help you? Yes. This always happens to me. Yeah. So, what kind of work is that you do from home? I work for a security company. You mean you put alarms into people's houses? No, not exactly. I put up firewalls for computer systems, corporations. Basically, just to keep out hackers. Oh, so didn't you have to go to college for that? No, I never made it to college. Why? So how do you qualify for the job? Well, up until a short while ago, I was a hacker. A hacker? Hey, Lakshmi. Somebody thinks you're totally sexy. What? Oh, shut up. You know, kids say the funniest things sometimes. Thank you. Yeah. Would you like to come into the house for some tea or something? Actually, thank you, but you know, I should really be hacking into some computers or something. Maybe a rain check? Bye. Bye. पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। पृथ्वी, मैं चाहती हूँ तुम दिव्या से फौरन बात करो। पृथ्वी, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे साथ शहर में आ जाओ, यहीं बात करेंगे। क्यों नहीं? और कोई काम नहीं है ना? तुम अंदाजा लगा सकते हो, उन सबको वहां देख के मैं चौंक गई थी। तुम्हें दिव्या से फौरन बात करनी चाहिए। न जाने वो वहां पर क्या कर रही थी। तुमने ये क्या पहन रखा है? क्या? बहुत खराब लग रहा है ये कलर। भूल गए, ये तुम्ही ने मुझे खरीद के दी थी। हाँ, 4 साल पहले। 4 साल हुए तो क्या हुआ? अब भी इसी को पहनोगी? दिव्या का क्या करोगे? दिव्या का क्या करना है? मतलब मेरी कोई बात तुमने नहीं सुनी पृथ्वी? Well, तुम्हें शहर में आना चाहिए था। Therefore, as you can see, all of our predictions went wonky. I'm still not married. And there's Jim, the sworn bachelor, who's married 5 times over. Man, I tell you about life. The only thing predictable is that it's unpredictable. Your costume, sorry, is it? Oh, it's just gorgeous. It's amazing, isn't it, Brian? Oh, stunning. You look beautiful. Thank you. May I offer you something to drink? Anything's fine. Great. Lakshmi, could you get the glasses, please? Oh, yeah, sure. My God, you've been here for 18 years. And she's still so totally Indian. Hey guys, do you mind eating outside? Rachel? Oh, no, I'd love it. Great. Lakshmi, could you organize the food outside? By the poolside, please? Hey, you spoiled brat. You haven't changed a bit. I'll help her. उस ब्रायन को देखो, वो मेरी मदद करना चाहता है। एक मेरे पतिदेव हैं, जो एक काम नहीं करते हैं घर में। और अगर कभी गलती से भूले भटके घर जल्दी आ भी गए तो कहाँ? टीवी, कंप्यूटर, खाना, सोना, या फिर कंप्यूटर, टीवी, खाना, सोना। अगर अपने घर में मैंने रेचल की मदद नहीं की तो वो मुझे मार डालेगी। पृथ्वी के माँ ने उसको बिगाड़ रखा है। Man, he'd never lift a finger. Now you spoil him like this? Lucky guy.
Where did you learn to speak Hindi like this? Night school. I'm trying Hindi Sahitya. Can I give you a hand? Okay, let Lakshmi tell us. Tell me, Lakshmi, how did you get this guy to fall in love with you? Because he vowed to everyone never to say those three little words to a woman. Well, when I was 18, we met at my Masi's house in Chidambaram. And Prithvi tells me later that he fell in love with me right then. Henna, Prithvi? Mm, yeah. Oh, how cute. And he said he liked me. And he told his parents, and his parents told their parents, and their parents told my parents. And before I even knew it, we were married. You never even dated before you got married? Nobody dates in Chidambaram. It's a very small town, really. I remember once when Prithvi wanted to take me to the temple, and my parents just wouldn't allow it. You only saw each other that one time? Wow. Did you ever have this official check out the bride ceremony? Oh. You know the one. Ladki dekhna, wahi na? Yes. So, did he make you sing or dance or something? He didn't make me dance, thankfully, but I did sing for Prithvi. Oh, wow. You sang for this guy? Hey, Brian. Come on now. Gayena. Yeah, Lakshmi. Come on, sing for us. Main aa gayi. Ah, Divya aa gayi. Divya, yahan aao, please. Hey, Divi. Zara idhar aao na. Kyun? Tumhe apne kuch doston se milata hoon. Come on, Divi. Come on. Ye hui na baat. Have a good day. Meet my dear friend Brian. Hi. That's Rachel. Hi, Divi. Hi. Join us. Yeah. Dad, I have a big test tomorrow and... अच्छा तुम्हें कैसे पता तुम स्कूल कहाँ गई थी? Oh, sit. Hey Divya, you don't have a curfew? I have a friend whose daughter's in high school. If she comes 1 minute late, चीर के रख देगा, हाँ? Ryan, stop it. Lakshmi, didn't you say something about a song? Why don't you sing for us? No. I love Indian music. Come on, Lakshmi. It's been so long since I've heard an Indian song. Come on. Please. Come on, I'd love to hear one. Come on. Please. Come on, Lakshmi. Kuraludi manam yellam kollai konda pinnum kurayedum enakedadi. I know the other one. Alai payude kanai. I got this cut up. उससे बात नहीं कर सकी, सो रही है। क्या? दिव्या, वो सो रही है या सोने का नाटक कर रही है। ओ। पृथ्वी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं वो टाल तो नहीं रही? तुम्हें हर हाल में कल उससे बात करनी ही होगी। छोड़ो ना लक्ष्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ, मेरा मन कहता है जरूर कोई बात है। वो गिल्टी महसूस कर रही है पृथ्वी। तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। बिल्कुल नहीं, वो जरूर कुछ छुपा रही है। मैं कल उससे बात कर लूंगा, ओके? अब दिमाग मत चाटो। मैं दिमाग नहीं चाट रही हूँ, पृथ्वी, मुझे उसकी फिक्र है, इसलिए तुम उससे बात करो। मैं दिमाग नहीं चाट रही हूँ। ओके 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 ओके, थैंक यू। मैं उससे बात करूंगा। डैड, मॉम, आज से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैंने फैसला किया है कि मैं घर से बाहर रह के नौकरी करूंगी। मेरे फ्रेंड्स ने मेरे रहने का इंतजाम भी कर दिया है और अब मैं वहीं उनके साथ रहने वाली हूँ। यही मैं आपको बताना चाहती थी। एक मिनट दिव्या, मुझे जल्दी है। मैंने कहा एक मिनट। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें घर से जाने की परमिशन किसी ने नहीं दी। मैं परमिशन नहीं मांग रही हूँ, मुझे परमिशन की जरूरत भी नहीं है, मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ। नहीं, अपना फैसला करने लायक तुम नहीं हो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे अच्छे बुरे का फैसला हम करेंगे। तुम्हें स्कूल जाना है और बाद में कॉलेज भी जाना है, समझ गई?
Do you understand? I'll do whatever I damn well please. Don't swear at me, Divya. I will. Dad, इनसे कहें कि वो मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती. पृथ्वी, इसकी उम्र की कोई भी इंडियन लड़की अपने माँ बाप से ऐसे बात नहीं करेगी. इसकी वजह कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बात है, बताओ. पृथ्वी, मैं उसकी भलाई चाहती हूँ इसलिए कह रही हूँ. नहीं, तुम जो समझती हो वो मेरी भलाई नहीं है. ओके, तुम अपनी कल्चर और ट्रेडिशन में इतनी डूबी हुई हो जो आजकल इंडिया में भी कोई नहीं मानता. तो डोंट टेल मी नो इंडियन गर्ल. ओके, तुम 18 साल पहले यहाँ आई थी और तुम कभी कभार वहाँ जाती हो. वहाँ के लोग तुमसे ज्यादा तरक्की कर चुके हैं. तुम हमेशा मुझ पे हावी होती हो क्योंकि तुम्हें इसी की फिक्र है कि यहाँ के इंडियंस हमारे बारे में क्या सोचेंगे. नहीं दिव्या, यहाँ मेरी कोई जान पहचान नहीं है और ना ही मुझे किसी की फिक्र है. मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, समझने की कोशिश करो. नहीं, तुम मुझे समझने की कोशिश करो. तुम तो बड़ी ही खुदगर्ज औरत हो. दिव्या, हाउ डेयर यू. बस करो, बहुत हो गया. मैं घर से जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा. जहां तक मेरे बॉयफ्रेंड का सवाल है, हाँ कोई हो सकता है और उसके लिए भी मुझे कोई नहीं रोक सकता. दिव्या, रुक जाओ. क्यों उस पर ऐसे चिल्लाई? उससे मुझे निपटने देती. तुम कहां थे पृथ्वी? ये सब हो रहा था तब तुम कहां थे? तुम तो चुपचाप बैठे हुए थे, अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा. तुम किसी और को बात करने दो तब ना. पृथ्वी, हमारी बेटी एक बहुत बड़ी भूल करने जा रही है. मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी. पृथ्वी, तो उसे तंग मत करो वरना वो भाग जाएगी. तुम्हारा मतलब है कि उसके घर से बाहर रहकर नौकरी करने में कोई बुराई नहीं है? तुम कहना चाहते हो कि ये ठीक है? मैं ये कहना चाहता हूँ तुम उसके साथ समझदारी और तमीज से पेश आया करो. वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है. ये रोक टोक चिल्लाना वगैरह बंद करो. पृथ्वी, तुम चाहते हो मैं उसे और तमीज से पेश आऊं? ये कोई बिजनेस डील नहीं है जो तमीज से हैंडल करे. ये हमारी बेटी के घर छोड़ने की बात है. ये जज्बात और अपनेपन की बात है. उसकी गलतियों को सुधारने में क्या बुराई है पृथ्वी? वो कोई भूल न करे, वो मेरी बेटी है. वो मेरी भी बेटी है मगर मैं उस पर हर वक्त चिल्लाता नहीं हूँ. तो अब ये सब मेरी गलती है, है ना? लक्ष्मी, अब हम ये बहस और नहीं करेंगे. क्यों नहीं? मैं कुछ भी कहूँ वो गलत है, कुछ भी करूँ वो भी गलत है, ऐसा क्यों? कहा ना, मैं ये सब बकवास नहीं सुनना चाहता. पृथ्वी, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ. मेरा मन करता है कि घर चले ताकि अपने दिल की बात किसी से कह सकूं. काश माँ भी जिंदा होती तो मैं उनसे सलाह मांगती. लगता है एक माँ की हैसियत से मैं हार चुकी हूँ. अगर मैं हार गई हूँ तो वो माँ की भी हार है क्योंकि उसकी बेटी माँ का फर्ज निभाने में हार गई. पता नहीं तुम मुझे समझ रहे हो या नहीं. छोड़ो भी, तुम्हें लिखकर भी कोई फायदा नहीं. मेरी तरह कितनी औरतें दोपहर में बेकार बैठी हुई अजनबियों से चैटिंग करती होंगी. कोई इस वक्त मुझसे बात करेगा या नहीं? मैं जो हूं ना, हमारी भाषा. बहुत खूब. नॉट एट ऑल, कोई जरूरत नहीं. मैं क्या करती हूँ? कुछ खास नहीं. आपका क्या काम है? अच्छा, काम के बीच में ब्रेक लिया है. सेम हियर. मैंने भी काम के बीच में ब्रेक लिया है. आपको कैसे पता मुझे प्रॉब्लम है?
केस किया? ओह, तुम एक सीधी साधी लड़की लगती हो क्योंकि तुमने अपना नाम फ्रेंड रखा है। आपका नाम भी मेरे नाम से मिलता जुलता है मित्र, हाँ सही तो है? Sometimes you get a better perspective when you speak to nameless, faceless strangers. आपने बिल्कुल सही कहा। ओह, बाद में मिलेंगे। बाय। मैं 50 बार फोन ट्राई कर चुका हूँ और हमेशा ये कमबख्त आंसरिंग मशीन जवाब दे रही है। तुम कहाँ हो? हेलो। तुम कहाँ थी? मैं आधे घंटे से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ और हर बार आंसरिंग मशीन ही जवाब दे रही है। सॉरी, मैं बिजी थी पृथ्वी। ऐसे कौन से जरूरी काम में बिजी हो गई थी? लक्ष्मी, सुन रही हो? सुनो, दिव्या की प्रॉब्लम को किसी तरह हल तो करना ही होगा। जैसे कि उसे स्कूल जाके मिले या कहीं जाके कॉफी पिलाए। ये तो बहुत अच्छी बात है पृथ्वी। तुम कब आओगे? मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। लक्ष्मी, मेरी राय में आज तो मेरे साथ मत चलो। यही होगा कि इसमें अकेले ही सॉल्व करो। लक्ष्मी, तुम ठीक तो हो? हाँ। तो फिर मैं उसे आज ही स्कूल जाके मिलता हूँ। ओके। और वैसे कितने बजे उसके स्कूल की छुट्टी होती है? तुम अच्छा खेलती हो। आज कुछ खास नहीं, और भी अच्छा खेलना है। अगला गेम कब है? नेक्स्ट वीक। डैड, मैं कपड़े बदल के आ जाऊं? हाँ जरूर, जाओ। वो अभी गुस्से में है। कौन? मॉम। वेल, उसकी नजर में तुम अभी भी छोटी बच्ची हो। उनको मुझे थोड़ी बहुत तो छूट देनी होगी डैड। तुम उसे समझ नहीं रही दिव्या, जहां से वो आई है वहां ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहां पे अगर तुम्हारे उम्र की स्कूल में पढ़ने वाली कोई लड़की अपने माँ बाप से अलग होकर रहना चाहे तो उसे बागी माना जाएगा। वो ये सोच ही नहीं सकती। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब यहाँ स्टेट्स में मैं भी अकेला रहना चाहता था और आया भी। लेकिन जब वही बात मैंने अपनी बेटी के मुंह से सुनी तो मैं चौंक गया। हमें थोड़ा वक्त तो देवी, मैं ज्यादा तो नहीं मांग रहा ना। और तुम्हारे कॉलेज के बारे में भी मैं जानती हूँ आप मुझे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं डैड, लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहती। मुझे वक्त चाहिए। पहले मैं काम करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। वेल देवी, तुम अभी कॉलेज नहीं जाना चाहती तो ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी राय से सहमत हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलेज जाओ और बड़े ओहदे पर पहुंचो, बहुत बड़े। पर यह सब तुम अपनी मर्जी से करो। थैंक्स डैड। और रहा तुम्हारा अलग से रहना, पहले तुम कोई नौकरी हासिल करो, फिर उसके बारे में सोचेंगे, ओके? हमें हालात से समझौता करने का वक्त हो दिव्या। डैड, क्या तुम घर पे खुश नहीं हो दिव्या? हम लोग इतने बुरे हैं क्या? आपसे परेशानी नहीं है डैड, लेकिन मॉम वो तो जब देखो मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं कहां से आती हूँ और कहां जाती हूँ। मैं बच्ची बन के नहीं रहना चाहती डैड। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। जब मन करेगा तब घर आ जाऊंगी। और मैं ये नहीं चाहती कि वो दीवारों पे कान लगा के ये जासूसी करे कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्या बातें करती हूँ। कोई मुझ पे जासूसी करे ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। उन्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि वो तुम पर भरोसा नहीं करती, वो तुम्हें महफूज रखना चाहती है। और महफूज रखना कोई जुर्म तो नहीं? हमेशा तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई हो तो अच्छी बात है ना। मगर इतना भी ख्याल नहीं डैड, सभी चीजों को शक की निगाहों से देखती है वो। मैं तो तंग आ गई। मैं उससे बात करूंगा।
और वो रोने लगेगी। God, Dad. उस पर इतना कठोर मत बनो दिव्य। और सुनो, तुम्हारे घर से अलग रहने की बात तुम्हारे पढ़ाई खत्म होने के बाद हम सोचेंगे, ओके? Is that a deal? क्या मैं हाँ सुन रहा हूं या ना? शायद हाँ। ये हेलो। हाय दिव्य, और मैं आज रात को घर पे खाना नहीं खाएंगे, ओके? मगर पृथ्वी, मैं तो खाना बना रही हूँ। वेल, दिव्या को पिज्जा खाने का मन कर रहा है तो हम बाहर ही खाएंगे, ओके? सी यू लेटर। मेल की उम्मीद नहीं थी ना? तुमने सही कहा था, कभी कभी अपनों से ज्यादा अजनबियों से अपनापन मिलता है। कोई क्या करे जब उसे मालूम हो जाए कि किसी को भी उसकी जरूरत ना हो, उसकी परवाह नहीं हो। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है? मुझे लगने लगा है कि इतने बरसों का प्यार और अपनापन मैंने खो दिया है। I think that's gross. ये कैसा लफ्ज है दिव्या? पहले ऐसे इस्तेमाल करना बंद करो। Dad. ये ग्रोस है, वो ग्रोस है, ग्रोस, ग्रोस। हाय, डिनर कैसा था? हाय लक्ष्मी, हाँ डिनर तो बहुत ही अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया। मैंने मिठाई बनाई है दिव्या, थोड़ा खाओगी तुम? Hey, come on. हाँ मॉम, थोड़ी सी दे दो। ये हुई ना बात, good girl. Hey dad, need to catch up on some mail. Sure, तुम्हारी gross mail. तो कैसा रहा? हाँ बहुत अच्छा रहा। अब तो मैंने उसे घर ना छोड़ने के लिए मना लिया है, फिलहाल तो कहीं नहीं जाएगी। कोई बॉयफ्रेंड है इसलिए ऐसा कर रही है? नहीं, ऐसा लगता नहीं है मुझे, और अगर ऐसा हो भी तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं, वो तो सिर्फ 17 साल की है। लक्ष्मी प्लीज, मैं बहुत मुश्किल से उसे घर लेके आया हूँ, अब बिगाड़ो मत, ओके? मैं कुछ नहीं बिगाड़ रही। तो जबरदस्ती मत करो, वो एक समझदार लड़की है। घर छोड़ना और कॉलेज नहीं जाने के फैसले को तुम समझदारी कहते हो? Forget it. उसे उसके हाल पे छोड़ दो। अब मैं तुम्हें चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं समझा सकता, ओके? We are the drivers of the paradigm shift in the B2B space. We have acquired blue chip customers, a proven technology, and a seasoned management team. Thanks. अब अच्छा लग रहा है। तो तुम्हें लगता है मैं cry baby हूँ? तुम्हारी सलाह है कि मैं ये सब छोड़ दूँ? तुम एक मर्द की तरह बोल रहे हो। तुम्हें लगता है मैं एक औरत हूँ? हो सकता है। तुम पता लगाओगे? हाउ? मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैंने एक मुद्दत से इसके बारे में सोचा ही नहीं। सूखी धरती पर जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो उस मिट्टी की खुशबू मुझे पसंद है। हाईवे पे तेज गाड़ी चलाना मुझे पसंद है।
सूर्यास्त देखना बहुत पसंद है। मुझे लकड़ी का काम पसंद है, आई मीन कार्पेंट्री। मुझे किसने रोका है? तुम कश्मकश में हो क्यों? Are you a man or a woman? पता लगाओ। Hi. Hi. What are you doing out here all alone? The party, that's right, yeah. Where's it at? At Jane's. So, why are you waiting up? You know Divya is absolutely going to hate that. You would never understand how a mother would feel when her child is away so late. True, but I also know what it's like to have a parent that overcrowds their child. See? Sometimes you get a better perspective when you talk to strangers. ये तो मैंने अभी कहीं सुना है. What was that? Anyway, since you're going to be up and probably use some company, maybe you could make a glass of the Lassie, I'm sorry. Yeah. Hi, Jane. This is Divya's mom. Can I speak with her, please? She's not? You know, I really don't think you should be doing this. What do you think you're doing? और तुम ये सब क्या कर रही हो, हाँ? No, mom. How dare you touch me? How dare you touch her? No, don't touch me. अगर हो क्या गया तुम्हें? Shut up, Divya. No, I won't shut up. घर के अंदर जाओ. नहीं. अपना मुंह बंद करो और घर के अंदर जाओ. No. And you? उसे अकेला छोड़ दो. Ever come near my daughter again? Okay? Now get out. क्या कर रही हो तुम? I'm out of here. दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? Divya, अपने आप को संभालो. वो जा रहा है. क्या किया है तुमने? Don't touch me. दूर हो जाओ मुझसे. Robbie, don't listen to her. No, don't leave. Don't leave, please. No, she's just... Robbie, no! Robbie! Dekh liya tumne kya kiya, mom? Wo chala gaya! How dare you? Tum isse kya ho apne aap ko jo is tarah ka salook kar rahi ho? Divya! You think you're some sort of a... Can't stand it here any longer. I'll be there in 10 minutes. Yeah, I'm leaving right now. Yeah, keep the door open for me, okay? Thanks. तुम किससे बात कर रही थी? दिव्या, सुनो, तुम कहाँ जा रही हो दिव्या? इतनी रात के मत जाओ बेटी, I'm sorry. दिव्या, तुम्हें मारने का मेरा इरादा नहीं था. दिव्या, please. मेरी बात सुनो दिव्या, ऐसे बेवक़्त घर से मत जाओ दिव्या, please. जो भी हो हम सुबह बात करेंगे. प्लीज दिव्या, I'm so sorry, Divya. मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा. सुनो ना दिव्या, समझने की कोशिश करो. मैंने जेन के यहाँ फोन किया तो पता चला कि तुम वहाँ गई नहीं. How dare you? I'm sorry. हम लोग कल सुबह इसके बारे में बात करेंगे. मैं वादा करती हूँ दिव्या. दिव्या, प्लीज लिसन. दिव्या, इस वक्त घर के बाहर मत जाओ, प्लीज. दिव्या, जाना ही है तो सुबह चले जाना, अभी नहीं. प्लीज दिव्या, प्लीज. तुमने ऐसा क्यों किया लक्ष्मी? पृथ्वी, वो लड़का उसे किस कर रहा था, और वो भी हमारे घर के सामने. मेरा मतलब है, मैंने ये किताबों और फिल्मों में देखा है, मगर मेरी बेटी ऐसा करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. लक्ष्मी, for God's sake, वो 17 साल की है, और 17 साल के बच्चों को मारा नहीं करते. आई नो, मैंने माफी मांगी पृथ्वी, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी. तुमने माफी मांगी, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? या पृथ्वी, तुम ठीक हो बेबी? Are you sure? हाँ, मैंने सुना. तुम फिक्र मत करो, मैं 20 मिनट में वहां पहुंचता हूं. या ओके,
तुम वहीं रहना ओके? वो दिव्या थी? हाँ, वो मुझसे बात करना चाहती है। पर मुझे भी उससे बात करनी है पृथ्वी। और क्या बाकी है? Dad, coffee लीजिए। No! Dad, हम बाहर जाके बात करें। क्या? क्यों ना हम बाहर जाके बात करें? हाँ, sure. Let's go. No! Oh man! Dad. आप कुछ भी कहिए, मैं अपना इरादा नहीं बदल सकती। मैं क्या कहने वाला हूँ तुम कैसे जानती हो? Well, यही कहेंगे कि मैं अभी घर आ जाऊं, है ना? हाँ, यही कहता। मैं घर नहीं चलूंगी डैड, कभी नहीं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते दिव्य। ये मैं और सह नहीं सकती डैड। देखो, वो इतनी भी बुरी नहीं है। ऐसा आप समझते हैं, मैं नहीं। उसने तुम्हें पहले कभी नहीं मारा। अच्छा हुआ उन्होंने पहले कभी नहीं मारा, वरना बहुत पहले ही मैं घर छोड़ चुकी होती। अब कॉलेज का क्या होगा? कॉलेज का क्या है? देवे। डैड प्लीज, अब और कोई बहस नहीं। देखो मेरी बात तो सुनो। डैड नो प्लीज, आई एम गोना बी फाइन। हे देवे, हे हाउ इज इट गोइंग? रॉबी, दिस इज माय डैड। हे, डैड दिस इज रॉबी। Hey, Violet wants to play that club tonight, so we're gonna go there, okay? Okay. Oh, is AK inside? Yeah, he's in there. Okay, I'm gonna go in there. All right. Bye. Bye. See you inside. Uh-huh. Divi, वो तुमसे बहुत बड़ा है। कम से कम 23-24 का तो होगा। Dad, वो सिर्फ 20 साल का है। बस एक साल स्कूल मिस किया। क्यों? वो बीमार था। कैसी बीमारी? Dad, please, no. आप ही बिल्कुल मॉम की तरह शुरू हो गए। पृथ्वी, यू आदा, जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने तो, हमने उसे खो दिया है, ओके? ये क्या कह रहे हो? ड्रॉप आउट एसहोल। और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इन सारी परेशानियों की जड़ तुम हो लक्ष्मी, तुम। लेकिन मैंने किया क्या है? जस्ट शट अप। बंद करो ये रोना धोना। स्टॉप इट। डियर मित्र, मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें मेरी कोई गलती है। यू आर ऑनलाइन? मैं अभी तुम्हें मेल लिख ही रही थी। तुम इस वक्त ऑनलाइन कैसे? मैंने सब बिगाड़ दिया है। जिंदगी में जो कुछ भी कीमती था खो दिया। मैंने सब गवा दिया। और अगर मैं हालात नहीं सुधार पाई तो वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। या मैं वही सोच रही थी, मुझे लगता है तुम भी उदास हो। गर्लफ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम बात करना चाहो तो मैं हूं।
Lakshmi, these samosas are fabulous. I could just keep eating them. I love these samosas too. You're such a nerd. बस करो, ये क्या कर रही हो दिव्या? Oh, Mom. दिव्या, ये मिलाकर तीन हो गए. तुम समोसे ही खाती रहोगी तो फिर खाना नहीं खा पाओगी. Mom, please, come on, please. दिव्या. Hey, Lakshmi, I only got two. Steve stole the last one. You're such a liar, Paul. May I take one, please? It's okay. Take it. Thank you. तुम्हें नहीं लगता कि एक रिश्ते की कामयाबी के लिए कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए? क्यों? लो, थोड़ा और ले लो. नो थैंक्स. लेकिन तुम्हें ये पसंद है, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है. मैंने कहा ना नहीं चाहिए. ओके, क्या तुम समझ नहीं सकती? एन ओ नो. मित्र, जिस किसी को मैंने दुख पहुंचाया है, जिन्हें मैं बेहद चाहती हूं, उनका दिल जीतने की कोशिश तो करती हूं, लेकिन मैं नाकाम हो रही हूं. लक्ष्मी, कॉलर. Lakshmi, this is the 11th time. Shut up, Paul. Why don't you just go talk to her? I'll go with you. I thought he was so cute. Oh, yeah. Don't you think so? No, I didn't. Of course he was cute. He had a lovely voice. Mm-hmm. Divya? कैसी हो? मैं ठीक हूं. दिव्या. मॉम. दिव्या, मैं तुम्हारा लकी रिस्पेंड ले आई हूं. शायद इसकी जरूरत हो तो मैं इसे घर छोड़ आई थी. तुम्हारे लिए बहुत लकी है ना, इसलिए मैंने सोचा कि ये मेरे लिए लकी नहीं था और मुझे ही नहीं चाहिए. वैसे भी डैड ने मेरे लिए नया ला दिया है. ओह दिव्या, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं. दिव्या, रिस्टबैंड तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है. बहुत बड़ा गेम हो रहा है एंड आई नीड टू कंसंट्रेट. Well, it didn't work, Steve. What did I expect? Mom, I'm so glad to see you. I'm coming home right after the game. You didn't give this to her? No, she didn't want it. Her dad bought her a new one. And according to her, this was unlucky. Lakshmi, I... Hey, I'm hungry. Do you mind? I'm hungry too. Come on, let's go. Mood out kyun? Batati hoon. तुम्हारी एडवाइस बिल्कुल काम नहीं आई. नहीं, नहीं, बहुत ही खराब
फिजूल की एडवाइस, इसलिए मेरा मूड बिगड़ गया है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मायूसी महसूस कर रही हूँ। एन ऑल टाइम लो। शायद तुमने जरूरत से ज्यादा कोशिश की। कोशिश में जरूरत से ज्यादा, ऐसा भी कुछ है? जरूरत से ज्यादा चाटू बन के दिमाग चाटना, चिपकू बन के एकदम चिपक जाना, क्या तुम ऐसी हो? मैं चाटू हूँ, चिपकू हूँ, तुम्हारी ये हिम्मत? हाउ डे यू। वो हाँ, सभी औरतें एक जैसी होती हैं। हाँ बिल्कुल, मर्दों की जबान। What was so funny? अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो भाग जाता। What? तुम ही ने मुझे कहा था कि कोशिश करो। लक्ष्मी। Hi. हाँ मैंने ही कहा था, लेकिन इतना? No way. तुम ही ने सब बिगाड़ दिया होगा। तुम्हें तो ताज्जुब नहीं, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम है? किसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे प्रॉब्लम है? मॉर्निंग। तुमने कहा। मैंने कब कहा? तुम ही ने कहा था, और अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुमसे दूर भाग जाती, और क्या? No way. Excuse me. हाँ मैं जरूर भाग जाती, बहुत पहले ही। हाँ ये हुई ना बात। Well, अगर किसी से प्यार करना चिपकना है तो तुम एक जाहिल गवार हो। ठीक है चिपकू। Get lost जाहिल। चाटू, चिपकू। Stop it. Oof. Lakshmi. Hey. Am I a cling? Am I a nag? Yeah, a little of both. Bit of a cling, bit of a nag. Hey, ouch. Hey. Ouch. You okay? Ow. What do you have in there, stones? No, it's my carpentry kit. I have a class in about half hour. Your car? Since when are you so interested in carpentry? About 2 weeks I started going to class, just wanted to check it out. So it looks okay. You want to go? Can I? Yeah, sure. Are you sure? Yeah, you can give me a ride every day. Well, go get dressed. Go on. Just a little more down right here. Okay. You're a natural. I particularly like the picture frame you did last week. Keep up the good work. Thanks. Bye. Hey, big guy. Need some help with that? You might need to... What you should do is... that way. Okay. Hey, Steve. Nice. आशाओं की जुबान से मन के ख्याल से अरमानों की कहानियां मेरा मन क्यों न जाने खिल गया है। सूरज की जब किरण पड़ी शबनम पे तब लिखी गई बादल की ये कहानियां मेरा मन क्यों न जाने खिल गया है। लहरा के मैं गाऊंगी लहरों पे मैं नाचूंगी चंदा से मैं पूछूंगी उसकी रोशनी। तुम तन धीर न ताम ताम तीर नर तुम तन धीर न ताम ताम तीर नर तुम तन धीर न ताम ताम तीर ना।
हाय हाय डिनर टेबल पे है मैं खा चुका हूँ ओके तुम दिव्या से मिलने गई थी नहीं सोचा मैं उसे बाद में मिलूंगी उसे भी थोड़ा वक्त देना चाहिए ना हाँ मैं बहुत थक गई हूँ मैं सोने जा रही हूँ ओके मुझे थोड़ा और काम है पृथ्वी गुड नाइट तुम कुछ और कहने वाली थी नो अब मैं चिपकू नहीं हूं डियर फ्रेंड मुझे ये तसल्ली है कि हम दोनों में से एक तो खुश है तुमने कहा था कि सब ठीक होना हो तो मुझे ज्यादा वक्त बिताना चाहिए अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दरअसल ऐसा हो नहीं रहा बहुत अफसोस की बात है यार मैं उसे खो रहा हूं उसे मुझ में या मेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं अब वो अपनी मर्जी से चल रही है अपनी किसी भी बात में मुझे शामिल नहीं करना चाहता हाँ ऐसा ही होना चाहिए तुम इसी लायक हो वो मुझसे दूर जा रही है और मैं कुछ भी पूछूं तो ठीक से जवाब नहीं देती और वो आज मैं उसी हालत में हूं जिस हालत में तुम हुआ करती थी सच क्या मैं इतनी बेवकूफ थी मुझे मदद की जरूरत है माय फ्रेंड मुझे मालूम है तुम्हें मेरी मदद की बहुत जरूरत है अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का दिल जीतने के 10 तरीके बताती हूँ हाउ इज दैट वक्त प्यार देखभाल अपनापन वक्त प्यार दोस्ती वक्त प्यार देखभाल लेकिन ये सब दोहरा क्यों रही हो वही तो समझने की बात है जनाब Hey Brian, you lucky bloke. No way. I think you're the damn lucky guy. Me? No way. Oh, come on, man. I saw Lakshmi the other day, and is she beautiful? And I just love her sense of humor. Uh-huh. If you guys still have it after all these years, maybe I should get married too. Mm-hmm. Listen, I was thinking, if you'd like to go away for the weekend to Canada, I mean, both of you, Michelle, my new girlfriend, and I... I don't know. I still have to... Come on, Prithvi. Oh, unless the lovebirds want to be alone, huh? I'll speak to Lakshmi about this, okay? You do that and tell her I said she looked gorgeous. You didn't tell her that when you met her? I did, but you tell her again and tell her to look for someone just like her for me. Okay. I will. Goodbye. Bye then. प्यार देखभाल अपनापन शायद हो सकता है हाय दिस इज लक्ष्मी एंड पृथ्वीज रेजिडेंस प्लीज लीव योर नेम एंड नंबर एंड वी गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल शफल स्टेप शफल स्टेप शफल स्टेप 1 and 2 and 3 and स्टे Oh, shuffle, sorry. Step, that's okay. Shuffle, step, twist and six and seven, step. Hey, Pam. Yes, Prithvi. Do you think I'm a boor? Hey, don't go silent on me. No, just wondering if it's a trick question is all. And will I lose my job? Okay, never mind. I'm going to take the rest of the day off. I'm going home. Prithvi, to be honest with you, you're not a boor. You are a gigantic boor. Hey, funny that you should mention it. That was a trick question after all. Prithvi, are you ill or something? Prithvi? I am just going home. That's it. Oh my God. Everybody, I want you to listen up. Prithvi is leaving early. What do you Very know? Funny. Why did he win the lotto or something?
पृथ्वी तभी तो ठीक है। मैं ठीक हूँ, सोचा आज जल्दी घर आ जाऊं। मित्र का आइडिया काम कर रहा है। डिनर में क्या बनाया? आमतौर पर तुम घर जल्दी नहीं आते हो, वैसे घर पर खाना भी नहीं खाते, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैं बहुत थक गई हूँ पृथ्वी, मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर दूँ, ठीक है? ओके। तुम क्या खाओगे? पिज्जा विद मशरूम एंड चीज। ओके। हाय। या दिस इज लक्ष्मी, हाउ डिड यू नो? ओह यस, या मशरूम एंड चीज, या थैंक यू। तो दिन भर कहाँ थी? हाँ, तुम दिन भर कहाँ थी? ओ, बाहर। बाहर यानी? कुछ खास नहीं, बस यूं ही दो तीन जगह काम था। कर क्या रही थी? कहा ना, बस थोड़ा बिजी थी पृथ्वी, यू नो, जस्ट बिजी। अरे कुछ तो किया होगा? कुछ भी नहीं, तुम सुनोगे तो बोर हो जाओगे। ब्रायन का फोन आया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड नंबर 13 या 14 हाँ खैर जो भी हो, उसके साथ छुट्टी मनाने कनाडा जा रहा है और कहा कि हम दोनों भी उसके साथ चले। नहीं। क्या? नहीं। सोच लो, फिर शिकायत मत करना। शिकायतें करनी मैंने कब की छोड़ दी। हाँ मैं देख रहा हूँ, तुम में काफी तब्दीली आ गई है। हाँ, तुम्हें पसंद है? Well, अगर तुम इससे खुश हो तो। मैं आजकल कुछ नए काम कर रही हूँ, मैं वर्कशॉप में जा रही हूँ, डांस लेसन्स ले रही हूँ वगैरह वगैरह। और पता है मैं आजकल कनाडा जाने का न्योता है। नॉट बैड, फिर से एक बार पूछकर तो देखा होता। शायद एक बार और पूछेंगे। आप तो कमाल करते हो डैड। कभी कभी। ओह माय गॉड। ए, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मुझे बैठना है। आप चलते भी बहुत तेज हैं। कमाल है, आज मेरी सॉकर चैंप को क्या हो गया? मैंने सॉकर छोड़ दी। क्या, मगर क्यों? बोर हो गई हूँ। बोर हो गई, बोर। वैसे आपने आज मुझे डिनर पर क्यों बुलाया? उसके लिए मुझे कारण चाहिए। I guess ना। और डिनर तो एंजॉय किया ना? हाँ, पकाने से तो बेहतर है। वैसे घर का रास्ता तुम्हें मालूम है? हाँ। तुम खुश हो ना दिवी? और आप? मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ 2-3 हफ्ते के लिए, और सब कुछ ठीक रहा तो वी आर गोइंग पब्लिक। ओह वाओ डैड, दैट्स ऑसम। या ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, है ना? क्या पता डैड। एक और सुनना चाहोगी? क्या? Another joke, Dodo. There's this man with a felt hat and it's sort of going very very crooked. Dad, and then mom kaisi hai? Achhi hi hogi. Kya matlab hai aapka? Acha, bahut badi hogi na? Kya matlab hai aapka? Dad. Kya? Lagta hai hum logon ko ab jana chahiye. Barish hone wali hai. Nahi hogi. Hone wali hai. No. हाँ भाई होने वाली no! है। अरे कह रहा हूं ना होने वाली है, चलो। लेजी बोन्स, कम ऑन डैड। व्हाट डैड, कम ऑन प्लीज, मुझसे नहीं होगा। अरे चलो ना। वेट अप, रेस करोगी? इस उम्र में आप क्या दौड़ेंगे? चैलेंज मत करना। हे जीना, आई एम गोइंग टू कनाडा फॉर अ कपल ऑफ डेज। वेयर इन कनाडा? आई एम नॉट रियली वेरी श्योर, माय हस्बैंड वाजंट वेरी स्पेसिफिक। आई विल जस्ट मिस 2 क्लासेस ओवर द वीकेंड। Is that okay? Have a great time. Thanks. Bye. Bye. Really? Sounds like great fun. I'm gonna miss you. Yeah, the ride, the lesson, right?
पृथ्वी, मैं अपने लिए जूस बना रही हूं, तुम्हें चाहिए? तुम कहीं जा रहे हो पृथ्वी? हम कहीं जा रहे हैं, मुझे दो। नहीं पृथ्वी, मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, क्या हुआ है पृथ्वी? यहां होती तब तो मालूम पड़ता ना तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। आखिर मामला क्या है पृथ्वी? आजकल काफी समझदार बन गई हो ना, अपने आप अंदाजा लगा लो। पृथ्वी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? पृथ्वी, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो इसमें किसी और का रहना जायज है ना? लेकिन इतने सालों से तुम मेरे साथ कहां थे? मैंने सोचा तुम्हें यही पसंद है। हाँ, फिर ऐसा सुलूक क्यों? देखो, मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। पृथ्वी, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है क्या? ये तुम बताओ। What? तुम्हारी जिंदगी में कोई और है या नहीं? पृथ्वी, क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम क्या बोल रहे हो? This is pointless. मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। नहीं पृथ्वी, तुम इस तरह नहीं जा सकते। पृथ्वी, तुम कहां जा रहे हो? तुम हर बार इस तरह नहीं कर सकते मेरे साथ। मुझे बताओ तो सही, तुम बिना बताए ऐसा नहीं कर सकते हो पृथ्वी। मुझ पर इल्जाम लगाकर तुम चुपचाप जा रहे हो? पृथ्वी, तुम जा कहां रहे हो? मुझे देर हो रही है, मैं 2-3 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, और लौटते वक्त अगर तुम घर पर ना भी हो तो मैं समझ सकता हूं। What? मैं घर छोड़ दूं? तुम हमेशा यही करते हो, समस्या का यही हल है ना? जब मन किया घर छोड़ दिया। Lakshmi, your husband almost ran me over, but I'm okay. Lakshmi, what happened? Hey, don't cry. Everything will be all right. Don't cry. अपना ख्याल रखना डैड। हाँ रखूंगा। मैं बाद में फोन करूँ? ठीक है मेरी नानी। क्या हुआ? खाना बनाने की जल्दी में कबर से टकरा गई। हाँ, घर गृहस्थी की परेशानियाँ, वही हो सकता है। क्या? घर गृहस्थी की परेशानियाँ, मुमकिन है इसीलिए वो। पर मैंने कोशिश की तुम्हारे घर छोड़ने के बाद, मैंने बहुत कोशिश की। पहले मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन बाद में, anyways, that's it. Dad? Yeah? Oh, Dad. अपना ख्याल रखना, ठीक है बेबी? मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ डैड, I'll be fine. अगर बड़े होने से हर मसला सुलझ जाता तो दुनिया में मसला ही नहीं रहता। Hey, Devi.
Lakshmi was upset. Steve's in there right now with her. See, that's better. Divya? What are you doing here? And more importantly, what is she doing with you? Jeez, Divya! Watch your filthy mouth! Shut up, asshole! And you! Usin bebache mujhe chaata marke, tum khud yahan pe ye kartut kar rahi ho! Tum ek besharam aurat ho! You're nothing but a lying, two-faced... That's enough, Divya! You're the only sicko out here! Let me tell you something. I'd give anything to have Lakshmi for my mother. Okay, because she cares. I mean, she really, really cares. And right now she's lonely, and she's depressed, and you couldn't even give a shit. You know, I wish you'd been blessed with a mother like mine. One who spends all her time in a bar, getting drunk and looking for a third husband. Would you like me to nominate you to the Oscars? You need major help. You are truly demented. I don't need to take that from you. And you, to hell with you. Lakshmi, I wish there was something I could do. No, just leave. I'm sorry. I'll see you. Lakshmi, maybe you should just relax. Cooking is the best therapy. Hello? No, he's not in. Who's calling? What? Are you sure? Yeah. I'll be there right now. Oh, that's so sad. I'm here to see Divya Mata. I'm Divya's friend. Last night, Robbie and Divya got into a fight. Robbie got upset and he beat her up. What? She's okay. She's just a little bit shooken up. She's okay. No, they're not letting one in right now. Excuse me, there's no visitors right now. I'm her mother. Oh. Maybe you could be 5 minutes and not disturb her. तो मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। मैं हार कर उनका सामना नहीं कर सकती। पता है मॉम, क्या
घर आ सकती हूँ बॉब। मुझे और मत रुलाओ के। Hey, Stevie, Divya is here. Come on, hurry. Yeah, I'm coming. Hi, Divya. Come on, come on up. Hey, Divya. Hi. Surprise! Thanks. We're glad you're home. Divya, help me make the card, and we made a cake for you, too. Thanks. Paul, you're truly the best guy around for keeping secrets. Could you possibly ruin any other surprises for me? Hey, creep! I didn't tell about the box of Athlon. It's the last time I tell you anything, punk. Please forgive this moron. He takes after his father. I'm not a moron! So how you feeling? I'm okay. That's great. Steve, I'm sorry for... Just don't do it again. What? Hey, just kidding. Divya, जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करना चाहोगी? नहीं मॉम, मैं अभी ठीक हूँ। माँ, तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें माँ कहूँ। पता नहीं इतना मुश्किल क्यों था। डैड ने फोन किया? तुम अपने बारे में कुछ कहो। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी, प्यार भरे लम्हे, जमाने भर की खुशियां। ओ, नो मोर पिज़्ज़ास। थोड़ा दूं? व्हाई नॉट। इतने में हमारी जिंदगी में बहार बनके तुम आ गई, मेरी अपनी बेटी, खूबसूरत और चंचल। वो आंखें, वो मुंह, वो पांव, तुम्हारे प्यार में मैं खुद को भी भूल गई दिव्या। उन दिनों तुम्हारे डैडी भी हमेशा हमारे साथ रहा करते थे। वो मेरी आवाज को इस कदर पसंद करते थे कि बार बार मुझे बातें करने के लिए कहते, और धीरे धीरे सारी वो छोटी बातें जिन्हें वो बेहद प्यार करते थे उन्हीं से वो चिढ़ने लगे। पृथ्वी, कल मुझे इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाना है। कल छुट्टी है ना, तुम जल्दी आ जाओगे? तुम जल्दी घर आ जाओगे कि नहीं? मैंने कहा था ड्राइव करना सीखो, तुम तंग करती हो लक्ष्मी। तुम्हारी ड्राइवरी करने के अलावा मेरा और कोई काम नहीं है क्या? हाँ, मगर तुम मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे तभी तो मैं सीख पाऊंगी। लक्ष्मी, ये हिंदुस्तान नहीं है, तुम्हें किसी ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए। और यकीन मानो, यहाँ इसी तरह सब लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं। मैं दिव्या का क्या करूंगी, उसे कैसे छोड़ूंगी? ऐसे बात कर रही हो जैसे बेबी सिटर्स के बारे में सुना ही नहीं। सिर्फ ड्राइविंग ही नहीं, तुम्हें किसी बेबी सिटर के हवाले करके या डे केयर में छोड़ के मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मगर कुछ नहीं किया। मैं अपनी नन्ही सी जान को पल भर के लिए भी अपने से दूर नहीं रखना चाहती थी। इस बीच पृथ्वी अपना करियर बनाने में बिजी हो गए। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, खुद का बिजनेस शुरू किया। मैं तुम्हारे साथ इस कदर खो गई थी, वक्त के गुजरने का भी पता नहीं चला। 18 साल बीतते गए और रिश्तों के बीच फासले बढ़ते गए। तुम जवान हो गई और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ी। तब तक पृथ्वी मन ही मन मुझसे बहुत दूर हो चुके थे और घर कम वक्त बिताने लगे। मैं फूलों से बात करती थी, दीवारों से बात करती थी, किसी से मुंह खोलकर बात करने से भी मैं घबराती थी, क्योंकि मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैं दिमाग खा रही हूं? मुझे प्यार चाहिए दिव्या, तन्हाई मुझे काट रही है। मैं किसी से प्यार करूं और उसे अंदर ही अंदर छुपाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मॉम, जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से। खुदगर्जी में मैं इतनी आंधी हो गई थी कि तुम्हारी हर बात में मुझे बुराई दिखाई पड़ी। गुनहगार मैं हूं। I was a total brat, Mom. I'm sorry. एक
दिव्या काव्या ओफो दिव्या बस करो ना चुपचाप खड़ी रहो इधर आ तू मोटी हो गई हो आखिर मैं एक ऐसे शख्स से मिली जिससे मैं खुलकर बात कर सकती थी अपने ही मन की छोटी छोटी बातें जो मैं भूल चुकी थी पता है जब उसने ये पूछा कि मुझे क्या करना पसंद है तो मैंने बहुत सोचा अपनी पसंद और नापसंद को मैं इस कदर भूल चुकी थी मॉम लगता है मुझे इससे प्यार हो रहा है टॉप यू नो ये बिल्कुल स्टीव की तरह है पता नहीं 18 साल पहले तुम्हारे डैडी भी ऐसे ही थे यू हैव अ पॉइंट कोई भी हो सकता है फिर भी मॉम जब तुमने कहा कि तुम हिंदी बोलती हो तब उसने भी हिंदी सीखनी शुरू कर दी तुम्हें बारिश पसंद है और उसे भी तुम्हें कारपेंट्री में दिलचस्पी है और स्टीव भी मैं उससे पूछूं कहां जा रही हो मैं स्टीव से पूछने जा रही हूं नहीं हम यकीन से नहीं कह सकते ये स्टीव है भी या नहीं मेरे पास एक आइडिया है ये तो क्या कर रही है शुमाम वाओ क्या टाइमिंग है गुड मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ दिवी मॉम फिशरमैन्स वार्फ व्हाई सैन फ्रांसिस्को मैंने ही उसे कहा कि मैं वहां रहती हूँ वो भी वहीं का है लेट्स मीट एट डांटेस ऑन पियर 39 मैं ग्रीन पहनूंगी और तुम येलो आई हेट मैन इन येलो वाओ देखो मॉम वहां पे पीली लिबास के मर्द कम होंगे तो उसे पहचाना बड़ा आसान होगा अरे कल ओके तो हम फिर मिलेंगे ये फिर क्यों है जानना नहीं चाहोगे बाय मॉम देखना बहुत मजा आएगा सो व्हाई डोंट यू कॉल होम नो व्हाई नॉट बिकॉज़ शी इज हैविंग एन अफेयर विद दैट ब्लडी एंड यू वांट मी टू कॉल हर ओ कम ऑन पृथ्वी यू नो लक्ष्मी इज नॉट लाइक दैट Anyways, I'm going back home tomorrow. I'm going to stay at a hotel for a couple of days. And then I'm only going to call Divya. Right, and spy on Lakshmi. Man, are men predictable or what? No way, Pam. I just don't care anymore. Mom, इसे देखो ये तुम पर बहुत जचेगी. तुम बहुत अच्छी दिख रही हो. Divya, हम नहीं जाएंगे. Come on, Mom. Steve से मिलने पर उसका चेहरा देखने लायक होगा. Divya, ये गुमनामी मुझे अच्छी लगती है. और फिर अगर तेरे डैड को पता चल गया तो अरे पता नहीं चलेगा मॉम वो लॉस एंजेलिस में है और वैसे भी एक दोस्त से मिलना कोई गुनाह नहीं है दिव्या मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है अंदर ही अंदर अजीब घबराहट है बेटी कम ऑन मॉम मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ राइट उससे मिलकर बहुत मजा आएगा तुम्हें मजा आएगा मुझे नहीं तुम समझती हो कि ये सिर्फ मैं अपनी मस्ती के लिए कर रही हूं मॉम मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ जिसकी वजह से आज मेरी माँ खुश है चलना है तो चलो हाय दिस इज लक्ष्मी एंड पृथ्वीज रेजिडेंस प्लीज लीव शी इजंट आंसरिंग द फोन मेबी शी वाज इन द बाथ मेबी शी इज आउट समवेयर विद दैट डैम To hell with her. Listen up, Prithvi. Just because you're having an affair, you're accusing Lakshmi of having one too, so that you don't feel guilty. What are you talking about, Pam? I'm not having an affair. Of course you are. I've seen you sending off tons of mail, and all the time mooning over the phone, going, yeah, baby, no, baby. Pam? Pam! I don't want to listen to anything else. That was Divya on the phone. हेलो हेलो पृथ्वी तो तुम अभी तक वहीं हो पृथ्वी क्यों ना हम पृथ्वी बात तो सुनो मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं योर वॉइस इज ब्रेकिंग बैटरी इज लो मैं बाद में फोन करता हूं ओके हाँ क्या कहा सुना नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं
चलो चलते हैं दिव्या। अचानक ये बदलाव कैसे? मैंने कहा चलो। मॉम हम जल्दी पहुंचेंगे। तो कोई बात नहीं दिव्या, यहां से निकलना है मुझे बस। ओके लेट्स गो। चलो मॉम कम ऑन। कमाल है, जल्दी करो। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अब खुद जल्दी मचा रही हूं। तो चलो मेरी कार में चलते हैं। चलो। Hey Lakshmi, you look foxier, what? Yeah, she looks cool, doesn't she? Stevie should see this. Stevie! Where is he? He's in the shower. He says he has a hot date. Oh. Is that so? Yeah. Well, we have a hot date too. We? Mom does. I'm the official chaperone. Oh, what is that? Come on, Mom. Let's go. Can I come too? Please? Can I be a shepherd or whatever? Sure thing. You can come with Steve. I don't get it. Just tell your brother buddy to meet us at 3. We don't want to be waiting. What are you talking about? Tell him the fisherman's wharf. He'll know. We gotta go. Wait. Bye. Stevie! Stevie, hurry up! Stevie! Stevie, come on! Stevie! Stevie! Hey, where's the freaking fire? They're meeting someone at the Fisherman's Wharf at 3. I think it's a date. A blind date. What? Yeah, they said for you to meet them and not to keep them waiting. And they asked you to take me as a whatever. Can I come too? Please? What are you talking about? Mom. Oh. दिव्या, ये जरूरी नहीं कि वो स्टीवी हो, वो तो इनमें से कोई भी हो सकता है। लेट्स गो। नहीं मॉम, मेरे साथ चलो। मैं घर जा रही हूँ। ओह गॉड मॉम, डरपोक मत बनो। ओके हम उससे मिलेंगे। लेकिन आज इतने सारे लोग पीले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ओह गॉड, तुमने ये सब शुरू किया, अब तुम ही रास्ता निकालो। श्योर। अब हम क्या करेंगे मॉम? क्या? ओह शिट, ओह माय गॉड, वो तो ब्रायन है। हाँ, ओह माय गॉड, मिट्टी की तरह इसे खीर पसंद है, हिंदी भी बोलता है। क्या सच में ये पास आ रहा है? माँ कम, लेट्स गो। वही है। I wonder what the problem is. Lakshmi was looking awesome and Divya was a yes, I got what it. What the hell are you yelling about? Chaperone, that's what Divya said. Chaperone, 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 chaperone. Yeah, come on. मुझे तभी ब्रायन से बात करनी थी दिव्या। Oh my God, you scared us, Paul. That was mean. Oh, thank you. Hey, how you doing? Steve, why aren't you wearing a yellow shirt? What? I hate yellow. Why would I be wearing a yellow shirt? Mitra, aren't you Mitra from the internet? What? Hi, can you hold this for me? Sure. Thanks. Do you like this? Nice. Also good, but I'd go for this one. This one? Very good. This is good. How's that? Smashing. Yeah? Madame? I don't believe this. How amazingly stupid can you be? He could be a murderer, he could be anything. Steve, come on. He sounded just like you do, okay? Sounded? Yes, he uses phrases like you normally do. I'm surrounded by geniuses. What am I gonna do with you people? This really takes a prize. Oh, shut up, Steve. Mom, क्या बात है? क्या हुआ? मैंने तुम्हारे डैड को देखा। क्या? वो कहाँ है? तुमने उन्हें कहाँ देखा? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने उन्हें किसी औरत के साथ देखा, दिव्या। मॉम, मैंने देखा। तुमने किसी और को देखा होगा, शायद कोई और। Go on, go talk to her. Yeah.
Would you like to order something to drink, ma'am? Just some coffee, please. Okay. Hey, get Divya, down. Divya, what? Look, just saw your dad going into the restaurant. Oh my God. आखिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? कितनी बेवकूफ हूँ मैं? मेरा दिमाग खराब हो गया है. नहीं, मुझे यहाँ से चलना चाहिए. फ्रेंड? ओह माय गॉड, लक्ष्मी? पृथ्वी, तुमने ये क्या किया पृथ्वी? डैड, डैड आप यहाँ कैसे? यहाँ क्या कर रहे हैं? What's going on? Why are you here? Somebody please tell me what's going on. What the hell is happening, Steve? Nobody seems to know. Let's go. लक्ष्मी, लक्ष्मी, रुको, मेरी बात तो सुनो. झूठ, तुमने मुझसे झूठ कहा. लॉस एंजेलिस, तुम मुझसे झूठ कब बोलने लगे पृथ्वी? लक्ष्मी, मैं तो सिर्फ इस मीटिंग के लिए आया हूँ. यही यही मुझे पसंद नहीं. हर बात के लिए तुम्हें ये मीटिंग जैसे बहाने, वक्त की पाबंदी वगैरह है. तुम तो रोबो बन गए हो पृथ्वी. इंटरनेट की किसी फालतू औरत से मिलने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, फुर्सत है, मगर दो मिनट अपने घर की समस्या को हल करने के लिए नहीं दे सके? बस यूं ही चले गए जैसे सर पर कोई आसमान गिर पड़ा हो. व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, लेकिन वो इसलिए कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था. तुम कभी भी घर पे नहीं थी. मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने अंदर झांको. मैं 18 साल से उन चार दीवारी में थी. लक्ष्मी सुनो, मैं काम में बिजी था और ये तुम जानती हो. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने मेहनत की है और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए, हमारी खुशहाली के लिए. लक्ष्मी, खुशहाली के लिए? खुशहाली ही सब कुछ है पृथ्वी? रुपया पैसा ही सब कुछ है? क्या तुम खुश हो? मैं तो नहीं हूँ. मैं तो उस छोटे से फ्लैट में ही बहुत खुश थी जहाँ पर हर पल हर लम्हा हम दोनों एक साथ थे. मुझे इस घर से नफरत है, इतनी नफरत कि मैं इसे जला देना चाहती हूँ. डैड, क्या हुआ? लक्ष्मी, तुमने कभी मुझे अपने मन की बात नहीं बताई. पृथ्वी, मैं तुम्हें अपने मन की बात कब बताती? बिजनेस ट्रिप के बीच है, जब तुम सो रहे थे तब. तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की? कभी नहीं, क्योंकि मैं एक बोर हूँ, चाटू हूँ, है ना? मगर तुम्हारा छोटी छोटी बातों को लेकर मेरा सर खाना मुझे बर्दाश्त नहीं होता था. लेकिन पृथ्वी, एक औरत के लिए ये छोटी छोटी बातें अहमियत रखती हैं. लक्ष्मी, I'm sorry. मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा. I'm really sorry, लक्ष्मी. मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई. प्लीज. जानते हो, जब तुम मेरे साथ नहीं होते तब भी मेरे ख्यालों में रहते हो, मगर मैं जब तुम्हारे सामने खड़ी हूँ तब भी मैं तुम्हें नहीं दिखती. लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं की और यकीन करो, मुझे इसकी सजा भी मिल गई. शायद इसलिए इंटरनेट की मेरी फ्रेंड ने मुझे चाहल का खिताब दिया. चाहल तो तुम हो ही. उस दिन क्या कह रहे थे? तुम्हारे लौटने पर अगर मैं घर पर ना हो तो तुम समझ सकते हो. तुमने कभी ये सोचा कि शादी के 18 साल बाद मैं कहाँ जाती? ऐसा कहने के लिए तुम्हारा मन कैसे माना, कैसे कहती ये बातें? नाजायज संबंध का इल्जाम लगा रहे थे मुझ पर? तो तुम्हारे साथ काम करने वाली वो औरतें, क्या नाम है उसका? पैम. कम ऑन लक्ष्मी, ये सरासर गलत है. लक्ष्मी, लक्ष्मी सुनो, पैम तो मेरी माँ समान है. और स्टीव भी मेरे बेटे जैसा है. ओह लक्ष्मी, आई एम सॉरी. प्लीज लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो. तो मैं कहीं खो ना बैठूं, इस डर से ऐसा हुआ. मेरा दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा था. आई एम रियली सॉरी. या मेरे यकीन करो फ्रेंड्स. यस, देखो मैं वादा करता हूं मैं जाहिल नहीं बनूंगा. और आज के बाद हमेशा ठीक 4 बजे मैं घर आ जाया करूंगा. ठीक है, 5 बजे मैं तुम्हें सभी हिंदी फिल्में दिखाने ले जाऊंगा. हमारे घर को जलाने में तुम्हारी मदद भी करूंगा. फिर हम कहीं एक छोटा सा फ्लैट लेकर बाकी की जिंदगी वहां खुशी खुशी बिताएंगे. ओह लक्ष्मी, आई एम सो हैप्पी. एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी जगह मुझे भी मिलेगी? Give me hugs, give me smiles, give me love all the time, give me strength when it's rough.
on this road of life and love. Set you free. I'll always